हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत करते हैं स्टडी नॉलेज के चैनल में। आज का वीडियो है फिजिक्स सेकंड विवर्तन में। चैप्टर का नाम है विवर्तन, देख लीजिए। तो इसके पहले हमने जो वीडियो बनाया था व्यतिकरण का, यदि उसको नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक दिया गया, वहां पे आप जाकर क्लिक करके देख लीजिएगा। तो इसमें हम बताने वाले हैं थ्योरी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसका थ्योरी बताएंगे कि कौन से थ्योरी पूछा जाता है इस चैप्टर में, और उसके न्यूमेरिकल। तो हम यहाँ पे न्यूमेरिकल लगाकर दिखाने वाले हैं कैसे लगाया जाता है, और थ्योरी को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है उसका बताएंगे और उसका आंसर भी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वो इम्पोर्टेंट थ्योरी का क्वेश्चन क्या है, मैं यहाँ पे लिख कर आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमने दो क्वेश्चन आपको बता दिया है इम्पोर्टेंट, व्यतिकरण तथा विवर्तन में क्या अंतर है। तो इस अंतर को आपको पढ़ के जाना है ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। सेकंड पे आते हैं, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसकी विवेचना कीजिए। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है, आपको इसको तैयार करके जाना है। तो चलिए इन दोनों का आंसर मैं दे देता हूँ, वो क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, व्यतिकरण या प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन की घटनाओं में अंतर। तो यहाँ पे आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक को अपने नोटबुक पे या अपने रब पे या किसी पे आपको इसको नोट कर लीजिए या इसको पढ़ लीजिए, वीडियो को प्यूज कीजिए और इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन के आंसर पर। अगर सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखा जाए तो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, प्रकाश का विवर्तन क्या है। तो प्रकाश का विवर्तन देख लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पहले इसको पढ़ लेना है, ये क्या लिखा है। वीडियो को पहले प्यूज कीजिए और प्यूज करके इसे पढ़ लीजिए। इसके आगे क्या है मैं दिखा देता हूँ। इसके आगे का यहाँ पे है, अब ये याद कैसे होता है, कुछ लोगों को दिक्कत होती है। तो ये याद करने का सबसे सिंपल सा तरीका है, इसको याद यदि करना चाहते हैं तो ये फिगर आपको देखना पड़ेगा। ये फिगर में जो जो बनाया गया है जैसे जैसे है वही चीज इसमें दर्शाया गया कि किसको कहाँ से क्या दर्शाते हैं, कैसे क्या करना है, वही चीज इसमें लिखा गया है। तो आप इस फिगर को देखिए, फिगर को समझ जाएंगे अच्छी तरह से तो आप व्याख्या भी कर लेंगे, जो यहाँ पे व्याख्या एक्सप्लेन किया गया वो आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आप अच्छी तरह से पहले वीडियो को प्यूज करेंगे और अच्छे तरह से या तो पढ़ लेंगे या तो नोट कर लेंगे। चलिए हम न्यूमेरिकल बताना शुरू करते हैं। तो न्यूमेरिकल बताना शुरू कर देते हैं विवर्तन का। तो सबसे पहले बताने से पहले हम आपको फॉर्मूला बता देते हैं जिस पे आपको सवाल लगाने हैं। हर चीज ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आप यदि फॉर्मूला नहीं पढ़ते हैं तब आपको समझ में नहीं आएगा कि किस फॉर्मूले पे आपको सवाल लगाने हैं और फॉर्मूले क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, विवर्तन में प्रिज्म की जो चौड़ाई होती है, सॉरी फ्रिंज की, विवर्तन में फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है उसे E से प्रदर्शित करते हैं। और व्यतिकरण में यदि देखा जाए, व्यतिकरण में देखा जाए फ्रिंज की चौड़ाई तो उसे W से प्रदर्शित करते हैं। तो पहले इन दोनों चीजों से आप डिस्कस हो जाइए। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हम बताने वाले हैं, नंबर वन फॉर्मूला है आपका E बराबर, E क्या है हमारा, फ्रिंज की चौड़ाई, E इक्वल टू लेमडा डी अपान एक्स। और इसमें व्यतिकरण में क्या था, व्यतिकरण में था W अपान लेमडा डी अपान स्मॉल डी, ये था व्यतिकरण का, व्यतिकरण चैप्टर में। लेकिन यहाँ पे हमें विवर्तन में क्या है, E बराबर लेमडा डी अपान एक्स, पहला फॉर्मूला हमें ये मिल गया। अब दूसरे फॉर्मूले की यदि बात करें तो थीटा वन इज इक्वल टू प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं लेमडा अपान ई, फ्रिंज की चौड़ाई। तो यहाँ पे हमने दोनों ले लिया। चलिए इन दोनों की मदद से हम क्वेश्चन को बताना शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। क्वेश्चन नंबर वन, एक पर्दे को एक पतली स्लिट से 2 मीटर की दूरी पर रखा गया है, 2 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इसके बाद स्लिट की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, स्लिट की चौड़ाई हमने बताया पहले ही विवर्तन में ई होता है, तो चौड़ाई हमें ज्ञात करना है। यदि प्रथम अदित केंद्रीय दीप्त के दोनों ओर 5 मिलीमीटर की दूरी पर, तो 5 मिलीमीटर की दूरी पर दिया गया है। अब इसके साथ साथ बढ़ती है, जबकि तरंग दैर्ध्य हम दिया गया है लेमडा इज इक्वल टू 5×10⁻¹⁷, वो भी मीटर में, यहाँ पे ये मान दे दिया गया है। अब इसके साथ साथ और मान क्या दिया है,
इसके साथ साथ दो मान और दिया, एक 5 दिया है और एक 2 दिया है। देख लीजिए यहाँ पे, एक 5 दिया है और एक 2। तो यहाँ पे एक पतली स्लिट से मतलब डी की वैल्यू दिया है 2 मीटर, और दोनों ओर 5 मिलीमीटर की दूरी पर बनती है, मतलब एक्स की वैल्यू है 5 मिलीमीटर। हमने फॉर्मूला क्या बताया था, इज इक्वल टू लेमडा डी अपान एक्स, ये फॉर्मूला बताया था। इस फॉर्मूले को रख लेते हैं, लेमडा की वैल्यू हमने लिखा रहा है 5 × 10⁻¹, ये मीटर में है तो मीटर में रहने देते हैं, गुड़े डी की वैल्यू 2 मीटर में है 2 मीटर में ले लेते हैं। इसके बाद एक्स की वैल्यू है 5 मिलीमीटर, इसको भी मीटर में चेंज कर लेते हैं, ये भी हो गया मीटर में चेंज। अब इसको काट पीट कर लेते हैं, ये कट जाएगा, इससे 5 से 5 कट जाएगा, ऊपर बचा 10⁻⁷, वो भी मीटर में। तो ये किसका मान आ गया, ई फ्रिंज की चौड़ाई का, स्लिट की चौड़ाई का, यहाँ पे सॉरी स्लिट की चौड़ाई का मान आ चुका है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2, 0.2 मिलीमीटर चौड़ाई वाले रेखा छिद्र से 2 मीटर दूर रखे पर्दे पर विवर्तन प्राप्त होता है। पर्दे पर केंद्रीय उच्छिष्ट के दोनों ओर 5 मिलीमीटर पर प्रथम निम्निष्ट पाया जाता है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम आप करते हैं, हर किसी क्वेश्चन में देखा जाता है कि क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे पूछ रहा है तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तरंग दैर्ध्य मतलब होता है लेमडा, लेमडा का मान निकालना है। अब देखते हैं मान क्या क्या दिया गया है। 0.2 मिलीमीटर चौड़ाई वाले, तो चौड़ाई को हमने क्या बताया है, ई इज इक्वल टू 0.2, वो भी मिलीमीटर में, तो इसको चेंज कर लेते हैं मीटर में। तो 0.2 × 10⁻³, ये आ गया मीटर में। अब इसके बाद और क्या मान दिया है देख लेते हैं, 2 मीटर दूर रखिए पर्दे, तो दूर डिस्टेंस कितना दिया है 2 मीटर। उसके बाद क्या माना और देखते हैं, पर्दे पर केंद्रीय उच्छिष्ट के दोनों ओर 5 मिलीमीटर पर प्रथम निम्निष्ट, तो यहाँ पे क्या दिया है 5 मिलीमीटर, तो 5 मिलीमीटर मतलब जो बच रहा है हमारा मान एक्स का 5 मिलीमीटर, इसको चेंज कर लेते हैं 5 × 10⁻³, ये मीटर में, मिलीमीटर है उसको मीटर में चेंज कर लिया। अब मान रख लेते हैं, वही फॉर्मूला है, इज इक्वल टू लेमडा डी अपान एक्स, लेकिन हमें यहाँ पे लेमडा का मान निकालना है, तो लेमडा का वैल्यू हो जाएगा लेमडा बराबर ई एक्स अपान डी। यहाँ पे हमने इसको पक्षांतर करके बना लिया फॉर्मूला, अब इसमें मान रख लेते हैं, तो ई की वैल्यू हमने जो निकाला है 0.2 × 10⁻³ गुड़े एक्स की वैल्यू है 5 × 10⁻³ बट्टे के डी, डी की वैल्यू है 2 मीटर, ये आ गया। अब क्या करते हैं इसको हल कर लेते हैं, ये अब इसमें क्या करते हैं, इस पॉइंट को हटा लेते हैं, पॉइंट को हटाने के लिए क्या करते हैं, एक एक जीरो इसमें दे देते हैं, मीन्स ये 2 कर लेते हैं, 10³ पहले से 2, ये 3² × 5 / 5/2, यहाँ पे 2 कर लिए क्योंकि ये दशमलव हटा लिए हैं। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 5 × 10⁻⁵ मीटर में। ये किसकी मान है, तरंग दैर्ध्य की, तो तरंग दैर्ध्य जो होता है वो होता है एंगस्ट्रॉम में, तो एंगस्ट्रॉम में इसको चेंज करना पड़ेगा, तो एंगस्ट्रॉम में अगर चेंज करते हैं तो ये आ जाएगा 5 × 10⁵, तो ऑलरेडी ये है, तो हमें क्या करना है, इसको 0.5 बनाते हैं, तो ये पावर एक बढ़ जाएगा 10⁻⁶ मीटर। फिर देखा जाए तो अब इसको हम क्या करते हैं, पावर 10 बनाते हैं, क्योंकि हमें एंगस्ट्रॉम में चेंज करना है, तो लिखेंगे 5000 × 10⁻¹, क्योंकि ये 3 जाएगा तो हो जाएगा 7, और एक यहाँ पे पॉइंट से रिलेटेड पावर 6। अब इसका मतलब हो जाएगा 5000 × 10⁻¹ इज इक्वल टू एंगस्ट्रॉम में, ये आ गया तरंग दैर्ध्य की वैल्यू। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, किसी 2 × 10⁵ मीटर चौड़ी स्लिट, तो स्लिट को हम क्या कहते हैं, चौड़ी स्लिट इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁵ मीटर,
पर 5000 एंगस्ट्रॉम, मतलब लैम्डा का मान 5000 गुणे 10 की पावर माइनस 10 मीटर में कर लेते हैं, एंगस्ट्रॉम में दिया है। तरंग दैर्ध्य का प्रकाश अभिलंबवत पर पड़ रहा है। विवर्तन प्रारूप में प्रथम निम्निष्ट केंद्रीय उच्छिष्ट से कितनी कोणीय चौड़ाई पर स्थित होगा? केंद्रीय उच्छिष्ट की कोणीय चौड़ाई, तो कोणीय चौड़ाई, कोणीय मतलब हमें थीटा का मान निकालना पड़ेगा, θ1। इसका फॉर्मूला होता है, हमने पहले ही बता दिया था, प्लस माइनस लेमडा अपान ई। तो इसमें वैल्यू हम रख लेते हैं। इसके साथ साथ देखिए और कुछ निकालना है, कोणीय चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए, उच्छिष्ट चौड़ाई, तो हम वही निकालने वाले हैं, कितनी कोणीय पर स्थित होगा। तो कोणीय हम निकाल लेते हैं और उसके साथ साथ उच्च कोणीय ऊंचाई भी, चौड़ाई भी हम निकाल लेते हैं। इस पे मान रखेंगे प्लस माइनस, लेमडा का मान है 5000 गुणे 10 के पावर माइनस 10 बटे के 2 गुणे 10 के पावर माइनस 5। अब इसको हल कर लेते हैं, ये कट जाएगा, इससे 5 बचेगा, और यहाँ पे कर लेते हैं इसको 25, तो 25 दो जीरो ये बचेगा, यहाँ पे माइनस 5, तो दो जीरो इसको दे देते हैं, माइनस 3 ये हो गया। या इसको लिख लेते हैं 2.5, और यहाँ पे इसको 10 के पावर माइनस 2, θ1 इजिकल टू है, तो ये रेडियन में आएगा क्योंकि थीटा का वैल्यू हमेशा रेडियन में आता है। अब इसके साथ साथ क्या पूछ रहा है, और देखिए, केंद्रीय उच्छिष्ट की कोणीय चौड़ाई, तो कोणीय चौड़ाई जो होता है वो होता है 2θ1 के, कोणीय चौड़ाई बराबर 2 गुणे θ1 की वैल्यू 2.5 गुणे 10 के पावर माइनस 2, तो इस 5 दूनी 2.5 दूनी के 5 गुणे 10 के पावर माइनस 2, ये भी आ जाएगा रेडियन में। तो यहाँ पे दो आंसर मिला है, कौन कौन सा है आंसर, एक हमारा θ1 की वैल्यू जो ये मान है और एक ये मान है, ये दोनों आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर को। नेक्स्ट चैप्टर को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, क्लिक करके देख लीजिए। धन्यवाद।